Hello students, welcome to Chemistry Gyan channel. Our today's topic is carbon and its compounds from grade 10. So first of all, discuss about carbon. Carbon is a non-metal. Atomic number kya hota hai bhai? Atomic number is 6. So now what is its electronic configuration? Jaise ki hum bharte hain K, L, M, N. So K wale mein aa gaye 2 electrons because K shell can accommodate maximum 2 electrons. L mein aa gaye 4. So carbon is tetravalent in nature. What is this tetravalent? Because as we know that it has 4 electrons in its outermost shell. Dikhai de rahe, 4 electrons in its outermost shell. So it will 4 electrons in its outermost shell. So it will achieve the inert gas configuration by शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स. शेयरिंग करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा. यहाँ पर आयनिक बॉन्ड की बात नहीं हो रही है बिकॉज 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा. नाउ व्हाट आर द यूनिक फीचर्स ऑफ कार्बन? ऐसी क्या खास बात है कार्बन में कि उसका एक चैप्टर ही रख दिया 10th में. सो व्हाट इज वर्सिटिलिटी इन द कार्बन? तो दो खास बात होती है कार्बन के अंदर. सबसे पहली बात दैट इट इज टेट्रावेलेंट इन नेचर. टेट्रावेलेंट जैसे हमने बात करी कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है बाहर वाली शेल में, तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन ले लेगा. सो इट अचीव्स द इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन बाय शेयरिंग द 4 इलेक्ट्रॉन्स विद द हेल्प ऑफ विच टाइप ऑफ बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड. अब दूसरी प्रॉपर्टी है भाई, कैटिनेशन. वॉट इज दिस कैटिनेशन? प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स. लंबी चेन बनाई जाएगी कार्बन कार्बन, और जो बच जाएंगे बॉन्ड्स उसमें हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे. सो द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स इज नोन एज कैटिनेशन. सो दीज आर द टू यूनिक फीचर्स ऑफ कार्बन. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन भाई, ये एलोट्रॉप्स क्या होता है? सो द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट, एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है, इज नोन एज एलोट्रॉप्स ऑफ द एलिमेंट. और यहां भाई हम बात किसकी कर रहे हैं? कार्बन की. तो कार्बन के बेसिकली 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेन. तो सबसे पहले हमें डायमंड के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि डायमंड में ऐसी क्या खास बात होती है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है. दूसरी बात, वो बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है. So, what are the characteristic feature in the structure of diamond that make it unique? तो diamond की अगर मैं बात करूं, तो अगर इस carbon की मैं बात करती हूं, देखिए मैंने pointer दिखाया आपको, इस carbon की बात करती हूं, तो हर एक carbon में 4 से जुड़ा हुआ है. मतलब हम जानते हैं कि carbon tetravalent है. तो इस carbon की अगर मैं बात करूं, तो ये एक bond, दूसरा bond, तीसरा bond and ये फोर्थ बॉन्ड. तो कार्बन जो है वो अगले 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है. तो इसका मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है इन केस ऑफ डायमंड. ईच कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन एटम. तो भाई इससे क्या हुआ, ये आप ऐसे क्यों बता रहे हो भाई कि आरा कार्बन जुड़ा हुआ है? इससे ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड विद द 4 अदर कार्बन एटम बाय कोवेलेंट बॉन्ड, लीविंग नो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट बिहाइंड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. दूसरी बात, ये जो कॉम्पैक्ट और रिजिड स्ट्रक्चर है डायमंड का, सो मेक द डायमंड वेरी हार्ड सब्सटेंस. अब भाई हर तरफ से जुड़ा जुड़ा है, तो इट मीन्स द मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई. अब मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो इट मीन्स अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड. जो इसमें हमें कोवेलेंट बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, कुछ भी फ्री नहीं दिखाई दे रहा, पैकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से इसको तोड़ना, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा हाई है. तो ये हुई हमारी डायमंड की बात. अब आते हैं हम ग्रेफाइट की बात करते हैं, नेक्स्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन. तो अगर मैं बात करूं तो इस तरह से फ्लैट हेक्सागनल रिंग्स रहेंगी ग्रेफाइट के केस में. हर कार्बन एटम 3 से जुड़ा रहेगा. अगर मैं इस कार्बन की बात करती हूँ, देखिए मैंने पॉइंटर यहां दिखाया आपको, इस कार्बन की बात करती हूँ, तो 1, 2 और ये 3, चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है. तो मेक इट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नेम अ नॉन मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज एज वी नो दैट ऑल द नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर.
तो ग्रेफाइट का नाम बहुत जल्दी आता है कि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो नाउ व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो उसकी बात हमने करी कि हर एक कार्बन जो है वो तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, जिसकी वजह से ग्रेफाइट जो है वो इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो इट मींस कि इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर मैं डायमंड से कंपेयर करूं तो कम होगा. ऑब्वियस सी बात है, कम होगा ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रेफाइट इज लो एज कंपेयर टू डायमंड. तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, सो दीज रिंग्स, ये जो रिंग है, दे आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ शीट्स ड्यू टू विच इट इज सॉफ्ट इन नेचर. अच्छा जी, अब फोर्सेस की बात करते हैं. तो ये जो फोर्सेस इसके बीच में काम कर रहे हैं, ये दुनिया की सबसे कमजोर फोर्सेस होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस. तो अब जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री बचा, सिंस वन इलेक्ट्रॉन इज फ्री इन ग्रेफाइट, देयरफॉर इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट इज हैविंग लो डेंसिटी, इट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच. और इन दोनों की एक खास बात है कि जैसे जलाओगे, ऑन बर्निंग they form CO2 only, nothing is left behind, both of them will form CO2 only on burning. So the various layers of graphite are joined together by weak van der Waal forces. In forces ki hum baat kar rahe hain, aur jo ek electron bach gaya jiski wajah se graphite jo hai wo good conductor ho gaya. Ab hum baat karte hain ji fullerene. Ab ye kya cheez hai, F for fullerene and F for football. Bhai aisa kyun bol rahe ho, ab ye allotrope mein football kahan se aa gaya? Yes, इसका स्ट्रक्चर इस तरह का रहता है कि कार्बन 60 कार्बन का जो है वो ग्रुप रहता है, क्लस्टर रहता है, जिसकी वजह से एक ये फुटबॉल का शेप रहता है फुलरीन का. सो क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम जॉइंट टू फॉर्म अ स्फेरिकल मॉलिक्यूल दैट अपीयर्स लाइक अ फुटबॉल, दैट इज व्हाई द नेम इज फुलरेन. भाई फुलरेन नाम क्यों दिया गया? ये साइंटिस्ट के नाम से आया था, फुलर के नाम से फुलरेन आया था. इट ऑल फुलरेन ऑल्सो ऑन बर्निंग फॉर्म CO2 ओनली. It is neither very hard nor very soft. It is a dark solid at room temperature. तो ये तो हुई जी इसकी खास बात फुलरेन की. तो हमने इस चैप्टर में तीन एलोट्रॉप पढ़े कार्बन के, कौन कौन से? डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेन. अब हम आगे चलेंगे, यूजेस की बात करेंगे हम कि क्या क्या यूजेस रहते हैं. तो सबसे पहले जी मैं डिफाइन कर दूं, जो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, एलोट्रॉप्स होते क्या हैं. सो द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर नोन एज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. अब भाई डायमंड के यूजेस और ग्रेफाइट के यूजेस तो पता ही होने चाहिए हमें कि क्या क्या काम आता है हमारे एवरीडे लाइफ में. हमारा डायमंड और ग्रेफाइट का क्या क्या काम है, तो गर्ल्स को सबसे पहले पता होता है कि डायमंड का यूज क्या, इन मेकिंग ज्वेलरी, in cutting instruments as it is a very hard substance, melting point is very high, so it is used in cutting instruments like glass cutters and in rock drilling equipments. Even it is used by eye surgeons as a tool to remove cataract from eyes. ab ye cataract kya cheez hota hai, jab eye lens jo hai wo foggy ho jata hai, layer comes in front of eyes, to ye cataract hatane ke liye bhi even aajkal diamond ka use tool ki tarah use kiya jata hai eye surgeons ke dwara. अब आते हैं जी ग्रेफाइट का. सबसे पहला इंपॉर्टेंट यूज है पेंसिल लेड जो है वो ग्रेफाइट की होती है. इट इज अ पाउडर्ड लुब्रिकेंट, बहुत सॉफ्ट है, स्लिपरी टू टच है, जैसा कि हमने एक स्ट्रक्चर में बात करी थी. सो इट इज अ पाउडर्ड लुब्रिकेंट. और इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई सेल, मतलब ये इलेक्ट्रोड्स की तरह भी, हम जब भी कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो दो तरह के इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, कैथोड एंड एनोड. Cations, they are positive in nature, they will move towards cathode. Anions, negative, so they will move towards anode. तो वो जो इलेक्ट्रॉड बनाए जा रहे हैं तो वो भी ड्राई सेल के अंदर, वो कार्बन इलेक्ट्रॉड्स होते हैं और वो ग्रेफाइट के बनाए जाते हैं. तो ये तो हुई बात एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की. आगे का वीडियो, द नेक्स्ट टॉपिक विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.